हेलो क्लास 8th स्टूडेंट, आज हम आपके संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, संधि प्रकरण। शब्दों के मिलने पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाता है। यानी सामान्यतः हम देखें तो संधि का मतलब होता है, संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता या जोड़। लेकिन संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा अलग होते हुए यह होता है कि जब एक से अधिक स्वर या व्यंजन अत्यधिक निकट होने के कारण एक रूप धारण करता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे कि हिम प्लस आलय, अब इसमें हिम के म में अ है और इस अ के पास में आलय का आ है, तो यहाँ पर अ और आ दोनों ही क्या है, स्वर है, और यही दोनों स्वर मिलकर एक दीर्घ आ बना रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर संधि युक्त पद हिमालय बन गया। यानी कि अ भी स्वर है और आ भी स्वर है और ब क्या बन गया, इससे आ बन गया, तो ये क्या हो गई आपकी स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार सत प्लस जन में, सत का त व्यंजन है ना, और इसी के पास में जो है जन, जन का क्या है ज, वो भी व्यंजन है, इन दोनों के परस्पर मेल से क्या बन गया है, त बन गया, त को ज में बदलने पर वह क्या हो गया, आधा ज बन गया, तो ये सज्जन एक संधि युक्त पद बन गया और यहाँ पर त और झ दोनों ही व्यंजन है इसलिए ये क्या हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका इसी तरीके से मनस प्लस रथ में, मनस का स और रथ का र, इन दोनों के रथ का र, इन दोनों का परस्पर मेल होने के कारण विसर्ग हो गया और मनह प्लस रथ रूप बना, और तब मनह के न के में जो विसर्ग है, मनह के बाद ये जो विसर्ग है ना, उ होने पर क्या हो गया, मनह प्लस उ प्लस रथ और अ प्लस उ मिलके हो जाते हैं, अ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है, तो ये क्या हो गया, मनोरथ। अब इसी तरीके से ये इसमें क्या था, विसर्ग का विसर्ग हटा था, तो इसलिए ये कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। फिर इसी के साथ आपकी आती है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हिमालय का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हिम प्लस आलय, ये दोनों अलग अलग शब्द हो गए आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के भेद। सामान्यतः संधि में तीन प्रकार की होती है, सामान्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है संधि सामान्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना, स्वर संधि या अर्थ संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों का जो मेल होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलन, यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। संस्कृत भाषा में जो वर्ण है वो है ये अ आ ई ई उ री ऋ ए ऐ ओ औ, है ना, स्वर संधि इन्हीं के परस्पर मेल से होती है। अब आप आ जाओ स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कौन कौन से है, तो देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, है ना, प्रकृतिभाव संधि, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ विशिष्ट संधियों का आपको, वैसे तो 8 होती है, यहाँ पर आपको कुछ विशिष्ट संधियों का उल्लेख हम कर रहे हैं, नीचे बता रहे हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, जैसे अ छोटी ई छोटा उ और री के बाद, इनके बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, उसी का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अ के बाद अगर अ आ रहा है तो भी आ हो रहा है, और अ के बाद अगर आ रहा है तो भी आ हो रहा है, इसी तरीके से पहले आ जाए और बाद में अ आए तो भी क्या हो रहा है, आपका आ हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी मिलकर भी ई हो रही है बड़ी, और बड़ी छोटी मिलकर भी बड़ी ई हो रही है, उसी तरीके से ऊ और ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ हो रहा है, और बड़ा ऊ छोटा ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलकर भी, सब मिलकर भी बड़ा ऊ ही हो रहा है, इसी तरीके से री री मिलकर भी री हो रही है। ठीक है, इसी के आपके उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको आपको रीड करना है, जैसे कि
मुर प्लस अरि मुरारी आ हो गया। इसी तरीके से पाठ प्लस आरंभ पाठारंभ, ऐसे ही आपका रवि प्लस, ऐसे ही रवि प्लस इंद्र रविंद्र बड़ी हो गई है, ठीक है, ऐसे आपका वो दीर्घ हो जाएगा। अब इसी के आगे ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित दीर्घ संधि के उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। नराधिपस्य क्षुधार सूर्यास्त अस्थिति, नर प्लस अधिपस्य क्षुधार प्लस आर्द्र, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त अस्थि प्लस इति अस्थिति, आवश्यकता प्लस अद्य आवश्यकताद्य, ज्ञान प्लस अर्थम ज्ञानार्थम, है ना। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको रीड करना है। इन सभी को यहाँ तक आपको इनको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आती है गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, देखो दीर्घ संधि में आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि चाहे अ आए, अ के साथ अ मिल रहा है तो भी वो आ हो रहा है ना, अ के साथ आ मिल रहा है तो भी वो आ हो रहा है, या आ है तो भी वो आ हो रहा है। इसी तरीके से ई में भी होगा, ऊ में भी होगा, है ना, और फिर री में भी होगा। इसी तरीके से जैसे चाहे अ अ मिले तब भी आ होगा, छोटा अ और आ मिल जाए तब भी आ होगा, आ और आ मिल जाए तब भी आ होगा, चाहे पहले आ जाए तब भी ये आ ही रहेगा, ठीक है। अब आपकी इसी तरीके से गुण संधि। गुण संधि का मतलब होता है कि उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो उनके जगह पर ए हो जाता है। ऐसे अ या आ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो वहाँ पर ओ हो जाता है ना। उसी तरीके से अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, और अगर अ या आ के बाद री आए तो वहाँ पर अल हो जाता है। देखिए जैसे कि ये अ प्लस ई ए हो गया, अ प्लस बड़ी ई ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अ प्लस ऊ ओ हो गया और अ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ हो गया, फिर अ प्लस री मिलके अर हो गया और अ प्लस री मिलके अल हो गया। ये तो था अ के साथ। अब हम आ के साथ देखते हैं, क्योंकि अ या आ दोनों ही बोला यहाँ पे, है ना। आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ ओ, ऐसे ही आ प्लस री अर और आ प्लस ली अल। अ या आ दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, है ना। ऐसे विशाल प्लस उरु विशालोरु, सुख प्लस उर्मी सुखोर्मी, अ और ऊ मिलके ओ हो गए, ठीक है, अ और ई मिलके ए हो गया। फिर इसी तरीके से देव प्लस ईश देवेश, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर देखो आप, आ प्लस ई मिलके जैसे महा प्लस इंद्र, पहले आ रहा है बाद में ई आ रहा तब भी वो ए ही हुआ है, ठीक है। फिर रमा प्लस ईश रमेश, पहले आ और बाद में बड़ी ई आ रहा तब भी वो ए ही हुआ। फिर उसके बाद सूर्य प्लस उदय, सूर्य का अ और उदय का ऊ, दोनों मिलके क्या हो गए आपके ओ हो गए। इसी के और एग्जांपल्स हैं नीचे। फिर आपके आता है एक प्लस ऊन एकोन, एक में अ और बड़ा ऊ दोनों मिलके क्या हो गए ओ हो गए। फिर ऐसे आपके जल प्लस उर्मी जलोर्मी हो गया, है ना। फिर इसी तरीके से आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया, गंगा प्लस उद्गम तो गंगोदगम, देखो ओ की मात्रा लग गई यहाँ पे, यहाँ पूरा ओ थोड़ी लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे इसी में उसकी मात्रा लगा देते हैं। फिर आता है आ प्लस ऊ ओ, महा प्लस उर्मी मोहोर्मी, ठीक है। ऐसे ही महा प्लस ऊर्जस्वल महोर जल महोर जस्वल। फिर आपका अ प्लस री, अब यहाँ पर दो मात्राएं कहीं पर भी नहीं आई आई है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, सिर्फ एक मात्रा ही आई है, ना तो इधर ए ही बना है, ऐसे ऐनक वाला ए की कहीं मात्रा लगी है, ना ही ओ से औरत वाली मात्रा लगी, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है गुण संधि में। फिर आ प्लस री अर हो गया तो महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ऐसे ही अ प्लस ली मिलके अल हो रहा है, तव प्लस लिकार तवलकार, उप प्लस लिकारिति लिकारयति उपल कार्यति, हस्वस्य प्लस लकार हस्वस्य लकार हस्वस्य लकार, ठीक है। ये आपके और एग्जांपल्स हैं जिनको आपको देखना है। फिर इसमें कुछ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें गुण संधि के जो उदाहरण दिए हुए वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि क
दोपरी उक्तोपाधिना प्राजिनेतिहासे राज्योद्घाटनं राज्यस्य उद्घाटनं वंशोद्योग रदोपसेविनः महिलोत्थानं प्रचंडोष्पणा उपेक्षिता प्रथमोपग्रह, इनकी संधि विच्छेद भी यहाँ पर दे रखा है। फिर आप आ जाओ वृद्धि संधि। अब गुण संधि में क्या हुआ, गुण चेंज हुआ, देखो एक बार फिर से, जैसे कि अ या आ, इसके बाद ई आ जाए या, बड़ी ई आ जाए, ठीक है, या उ आ जाए तो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। और अगर अ या आ के बाद छोटा उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ, ठीक है। और या अ आ के बाद में आपका री आ जाए तो अर हो जाएगा, और अगर अ आ के बाद री आ जाए तो आपका अल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गुण संधि। फिर आप आगे देखो, अब आपका आता है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना, उसमें वृद्धि होना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऊपर था वैसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगी, आपके मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, और यदि ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे अध्य प्लस एव तो अध्येव, यहाँ पर आप देखो दो मात्रा लग गई, देखो अध्य प्लस एव, ठीक है। तो यहाँ पर ये अ प्लस ए हो गया, और जब हमने इसको लिखा तो हमने यहाँ पर दो मात्राएं लगाई। कितनी मात्रा लगाई, यानी एक मात्रा तो पहले से इसमें से लगनी ही थी, एक मात्रा की और वृद्धि हो गई, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, वृद्धि संधि। क्या कहा इसको हमने, वृद्धि संधि। जैसे कि देखो अ प्लस ए ए, अ प्लस ए ए, फिर अ प्लस ओ औ, अ प्लस ओ औ, आ प्लस ए ए, आ प्लस ओ, और आ तो है ही है, बस उसके साथ या तो ए छोटा वाला, ए से एडी वाला ए, या फिर ए से एनक वाला ए, तो लेकिन होगा क्या, ए से एनक वाला ए। अब उसके साथ अ या आ के साथ चाहे तो ओ से ओखली आ रहा है ना, चाहे औ से औरत आ रहा है, तो दोनों में हो क्या जाएगा, औ से औरत, ठीक है। इस अब आप देखो इसमें कुछ वृद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक प्लस एकम, यहाँ पर अ यहाँ पर ए, लेकिन यहाँ पर मात्रा कितनी लग गई, दो। कितनी मात्रा लग गई, दो। इसको आप थोड़ा सा जूम करके एक बार देख लेंगे तो देखो कितनी मात्रा लगी है, यहाँ पे दो मात्रा लगी है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो कि तथा प्लस एव, लेकिन यहाँ पर तथे में मात्रा कितनी लग गई है, दो, ठीक है। अब उसी तरीके से आप इधर वाले एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि जल प्लस ओगह, यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, लेकिन मात्रा कितनी लगी है, यहाँ पर दो, जलोग में दो मात्रा लगी, यानी अब से औरत वाली मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ये आगे की और एग्जाम्पल्स है जो आपको इसमें पढ़ने हैं और देखने हैं, इसको रीड करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद ये आगे आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित, उसके आगे आपके पाठ्य पुस्तक पर आपके जो टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं वो सारे आपके दे रखे हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित है जिनको आपको रीड करना है इनको। फिर हम आ जाते हैं आपके यण संधि पर। यण संधि क्या होती है, यण संधि में क्या होता है, देखो कि सूत्र है इको यणची की। इको यणची यानी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, है ना, तो ई और ई का क्या हो जाता है, य। जैसे उसी तरीके से ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वो हो जाता है व, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो आपका हो जाता है री या री। असमान आने पर क्या हो जाता है, री हो जाता है। जैसे कि हस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर आएगा, हस्व ई या, तो क्या हो जाएगा उसके जगह पे, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊ या ऊ के बाद,
कोई भी दूसरा स्वर आए तो वो व में चेंज हो जाएगा। फिर री या री के बाद, री या री को छोड़कर, मतलब सेम वो ना आके कुछ दूसरा आता है तो वो चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। और ल आएगा तो क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा, री का ल हो जाएगा। जैसे यदि प्लस अपी, अब ई पहले के बाद में अ आ रहा, ई और ई तो नहीं आया, ई और ई होता तो वो सेम होता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है अ, तो इसलिए ये क्या हो गया, यद्यपि, य फिर द, और यहाँ पर क्या आ गया, य आ गया और यद्यपि, है ना। जहाँ यदि के दी में ई स्वर है, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो कि आपको देखना है, तो आप एक बार इसको देखेंगे समझेंगे। ओके, जैसे कि देखो आप ई या ई, इसके साथ अ आ उ री री ए ऐ ओ औ, इनमें से कुछ भी आता है तो वो य में चेंज हो जाता है। उ या उ के बाद में अ आ ई ई री री ए ऐ ओ औ, इनमें से कुछ भी आता है तो वो व में चेंज, यानी ई के बाद असमान आ रहा है तो य में, उ के बाद आ रहा है तो व में, री री के बाद आ रहा है तो और र में, और ल ल के बाद में आ रहा है तो वो ल में चेंज हो जाएगा। यण संधि के ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देखेंगे, जैसे कि प्रति प्लस उवाच, तो ये ऊ की तो मात्रा लग गई और यहाँ पर क्या हो गया, त भी आधा हो गया और क्या हो गया, प्रत्युवाच, है ना, क्या हो गया ये, प्रत्युवाच, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आया तो वो य में चेंज हो रहा है। फिर इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि मधु प्लस अत्र, अब मधु, मधु का तो ध हो गया, आधा ध हो गया और असमान स्वर आया, है ना, ऊ के बाद असमान स्वर आया तो वो व में चेंज होना है, तो मध्वत्र क्या बन गया, ये मध्वत्र। अस्तु प्लस इति, इसका क्या बन गया, अस्तित्वति, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे ऊ के बाद असमान स्वर आया, वधु प्लस आगमन तो वध्वागमन, ठीक है, ये मात्रा हट गई है ऊ की, जो ये वधु थे उसको ध आधा हो गया और ये इसमें यहाँ पर आ था इसलिए वो वा लग गया, ठीक है, यहाँ पर अ होता तो वो व बन जाता, लेकिन यहाँ पर आ था इसलिए वो वधवा बन गया, वधवागमन। फिर इसी तरीके से री को हम देखेंगे तो धात्र प्लस अंश, है ना, तो ये क्या बन गया, धात्रंश बन गया, क्या बन गया, धात्रंश बन गया। उसी तरीके से लृ प्लस आकृति तो क्या बन गया, लाकृति, क्योंकि लृ में वो ल हो रहा था, ये वाला ल बन रहा था और इसके साथ अगर आ जोड़ देते हैं हम तो क्या बन जाता है, ला, तो यही ला। इसके बाद आपकी ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आपको खुद से रीड करना है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर अयादि संधि, क्या है अयादि संधि। अब अयादि संधि को आप देखो कि अयादि संधि में क्या है कि एच अर्थात ए ओ आई औ, ए ओ ए आई ओ औ, इनके बाद अगर कोई स्वर आता है तो ए का अय, ओ का अव, तो ए का अय ओ का अव, फिर ए का आय और ओ के स्थान में आव आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान देने की बात ये है कि अगर ए के बाद में अ आ ई ई उ ए ऐ ओ, इसमें से कोई भी स्वर वर्ण आता है तो वो आय में चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, और उसके बाद अगर ए के बाद में फिर इसमें से कुछ आता है तो वो आय में चेंज हो जाता है, ओ आता है तो अव में चेंज हो जाता है और औ आता है तो आव में चेंज हो जाता है। अयादि संधि के जो हैं उदाहरण दिए हुए, ध्यान रखना ए जो है वो ए के बाद कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो वो अय, ठीक है। फिर अगर इस ए के है तो वो, इसके बाद कोई भी स्वर आता है तो वो आय, ठीक है। इसी तरीके से ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो अव, ठीक है, और अव के बाद कोई भी स्वर आए तो वो आव में चेंज हो जाता है, ठीक है, अव और आव में चेंज हो जाता है। बस इसी तरीके से हमको यहाँ देखना, जैसे हरे प्लस ए तो हरिये, शे प्लस अनम तो शयनम, ए प्लस अव मिलके अय हो गया ना, तो शे का श हो गया शयनम, फिर
फिर आता है इसी तरीके से आप और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ये एक एग्जांपल, ये इसी तरीके से विष्णु प्लस ए तो क्या हो गया विष्णवे, क्यों? क्योंकि ओ प्लस ए मिलके अव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे आप तो पो प्लस अक अव है ना, तो ये आव हो जाएगा तो ये क्या बन गया पावक है। ठीक है, ऐसे ने प्लस अकह तो ये नायक बन गया क्योंकि ये आय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको रीड करना है, जैसे वो प्लस अतु भवतु, श्लो प्लस ए श्रावयंतु श्रावयतु। ठीक है, अब आपका आता है पूर्व रूप संधि एक पदांत तत्व, यानी पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि यदि किसी पद के अंत में, अगर किसी पद के अंत में लास्ट में ए अथवा ओ हो, क्या हो ए अथवा ओ हो, और उसके परे ह्रस्व अकार यानी उसके बाद में छोटा अ हो, है ना, तो वो अ जो है वो ए में और ओ का रूप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अ का लोप हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है अ का, इसका मतलब अ जो है वो हट जाएगा, है ना, और उस अ की जगह पर क्या लग जाएगा अवग्रह ये वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, जैसे हरे प्लस अव, क्या है हरे प्लस अव, यहाँ पर हरे के रे में ए होगा होगा और उसके बाद आया है अव, तो यहाँ पर यह क्या होगा, ये जो अ है वो किस में हो जाएगा पूर्व वर्ण ए का रूप होगा, अ का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार संधि होने पर यह होगा हरे प्लस एव हरेव, हरे तो ऐसा कैसा रहेगा ही, यानी ये अ जो है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बाद में ये अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, जैसे विष्णु प्लस अव तो ये विष्णु। ठीक है, और अगर ए के बाद में अ आ रहा है तो ए के साथ में ये लग जाएगा, मात्रा तो लग ही रही है। इसी तरीके से पूर्व संधि के और कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, विषये प्लस अपि विषये पि, ततो प्लस अपि ततो पि, स्त्रियो प्लस अपि स्त्रियो पि, कर्म क्षेत्रे प्लस अनया कर्म क्षेत्रे नया, सर्वे प्लस अपि सर्वे अपि, ग्रामे प्लस अस्या ग्रामे ग्रामेस्या, फिर मासे प्लस अस्य मासेस्य, भ्रातरो प्लस अपि भ्रातरोपि, संविधाने प्लस अपि संविधानेपि। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप इधर से भी कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं जो आप रीड करेंगे, फिर उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित पूर्व संधि के उदाहरण दिए हुए, जैसे को प्लस अपि कोपि, क्रतो प्लस अस्ति कृतोस्ति, अन्ये प्लस अपि अन्येपि, श्रृगालो प्लस अपि श्रृगालोपि, वने प्लस अत्र वनेत्र, चिकित्सालय प्लस अपि चिकित्सालयेपि। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे जो एग्जांपल्स है वो रीड करने हैं। फिर आपके आती है पर रूप संधि,